बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो मैं बाहर हूँ, पीछे मेरा बैकग्राउंड देखे तो आपको लग ही रहा होगा, तो मेरे पीछे ही बैठा हुआ है जुहेब। आज हम लोग एक काम करके आए, वो काम मुझे ये था कि मैं ज़रा गया हुआ था किसी गांव में, तो वहाँ पर अपना ही मेरा गाँव है, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा। तो गाँव में मैं गया था, मैंने वहाँ से लानी थी रज़ाइयाँ, तो अपनी यानी कि खाला का गाँव था, तो वहाँ से मैं लेके आया रज़ाइयाँ। तो पीछे मेरे बैठा हुआ जुहेब, अभी इस टाइम हूँ बाइक में, तो ये हैं पीछे रज़ाई और जेब मेरे साथ था। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल आए, तो मैं जा रहा हूँ अभी घर पे, तो घर पे रखेंगे, उसके बाद फिर अगला काम बाद में करेंगे। तो जेब को मैं लेके गया था कि इसने मेरी रज़ाइयाँ मेरे साथ पकड़नी है, अभी इस टाइम मैं बाइक पे हूँ, बाइक मेरी स्टार्ट है। तो यात्रा के साथ लेंगे, जेब कुछ कह रहा है, इसके बाद रज़ाई घर रखे, फिर हम जाएंगे यासर की दुकान पे, वहाँ कुछ खाए पियेंगे, पार्टी करेंगे, चले चलते हैं। फिर कोई कंफर्म नहीं कह सकते अभी। मैं घर पे पहुंच गया हूँ, तो मैंने रज़ाइयाँ घर पे रख दी हैं। तो ये रहा जेब, जेब के साथ जा रहा हूँ मैं अपने टाउन में, तो वहाँ पर मैंने कपड़े सिलाई के लिए देने हैं, तो चलते हैं, चल के सिलाई के लिए कपड़े देते हैं, उसके बाद फिर वापसी। क्या खा रहे जेब? शापर। भूख लग रही है उसे, तो चलते हैं। ये हमारे यहाँ पर सूट हैं, कोई दो तीन सूट हैं, वो जाके देने हैं। ना कर जेब, ये जेब बड़ा शरारती है। अभी मैं यासर की दुकान पे आ गया हूँ, तो सूट जो मैंने देना था वो मैं दे के आ गया हूँ, तो अभी भी पहुँचा हूँ। यासर और जुहेब बैठा हुआ है, तो अभी यासर के पास बैठ के थोड़ी गपशप लगाते हैं, तो उसके बाद फिर कोई और काम करेंगे। अभी इस टाइम है, टाइम तकरीबन 4 बजे का टाइम है, असर के जाने भी हो रही हैं, तो मैं मूड होया, फ्रेश हुआ हूँ। तो फ्रेश होके अभी मुझे आई थी अंकल की कॉल, मेरे फूफा रहे, तो वो ज़रा गए हुए थे मार्केट में चुविंडा, तो मुझे आई ये कॉल उनकी। तो ये पीछे हंजला आ गया, इसी के साथ मरियम है, मेरी भांजी है, तो मुझे कॉल आई है, मुझे कह रहे हैं कि यार चुविंडे में आओ, तो बर्तन लिए हैं, बर्तन मैंने वहाँ से लेके आने। तो आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, पीछे अजान हो रही है, तो चलते हैं, चल के वहाँ से बर्तन लेके आते हैं। आजकल बिजी कुछ इस तरह के, जिस तरह कि आप सबको पता है कि सिस्टर की शादी है, तो उनके सामान शमान आगे पीछे से ला रहे हैं, कभी मार्केट जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले लेके आते हैं, तो उन सब कामों से पहले जुहेब से करते रब्ता, जुहेब को करते फ़ोन, तो उसका उसे साथ लेके मैं जाऊंगा मार्केट में, तो चलते हैं फिर। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है, ये मेरी भांजी है, तो बाइक के साथ खेल रही है, अभी मेरी तरफ आने लगी चाबी लेने के लिए। तो बाइक हमारी रेडी है, गरारी साइड इसका ख़त्म है, पर हम जुगाड़ लगा के फिर भी आस्ता आस्ता करके ले जाएंगे, इतना नहीं ख़त्म पर थोड़ा बहुत ख़त्म है। अब उसने मेरी चाबी पकड़ ली है, कह रही है कि मैंने भी जाना है, तो अभी उसे लेके जाएंगे या छोड़ के जाएंगे वो देखते हैं। इसने रोना काफ़ी है, पर इसे मैं छोड़ के जाऊंगा क्योंकि मैंने लाना है सामान। मरियम, मरियम जाने लगी, मरियम
जुहेब चुंडे गया हुआ था, उससे रब्ता किया है, तो अभी आ गया बाइक खड़ी करे। मैंने बोला यहाँ पर खड़ी कर दो, अभी चलता हूँ इसके साथ लेके। इसे कहाँ चला गया था यार? यार मैं जरा काम था तो चला गया था। अभी हम बाइक में, तो ये पीछे जुहेब बैठा हुआ है, बस निकल गए चुंडिया के लिए। मेरा आधा मुंह आपको दिख रहा होगा, तो लग रहा होगा आपको कि किस कंडीशन में मैं जा रहा हूँ। तो माशाल्लाह से वो कंडीशन ये आ रही है। तो इस कंडीशन में मैं जा रहा हूँ, जुहेब ड्राइविंग कर रहा है और मैं उसके पीछे बैठा हुआ हूँ। तो आपको घर में चल के बताते हैं कि यह क्या चीज़ है। सामान हम लेकर आ गए, तो जुहेब मेरे साथ था, तो बहुत वजनी है, अभी चलते हैं लेके अंदर। ये माशाल्लाह से डिनर सेट है, स्क्वायर डिनर सेट, ऑनर आलोक है, मॉडर्न है। तो ये इसके अंदर सामान है, तो ये देखिए कैसे पैकिंग की हुई है माशाल्लाह से। ये वाला जो है क्रोली, ये कांच का है, कुछ इस तरह का सेट है, 72 पीसी से। और इसी के साथ यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो जो इस कॉटन के अंदर हैं। ये सारी चीज़ें आप स्टॉप करके देख सकते हैं। इसी के साथ ये जो ये प्लास्टिक वाला है, तो बर्तन में लेके आ गया था, तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम हुई रस्ते में, क्योंकि कॉटन बहुत ज़्यादा भरा था, 2 कॉटन थे बर्तनों के। तो आस्ता आस्ता करके मैं और जुहेब ले आए। तो बस यही था आज का व्लॉग, तो दुआओं में याद रखिएगा, आपका बहुत सारा प्यार। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हाज़िर होंगे, जब तक लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।